नमस्कार दोस्तों दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल ए टू जेड रिपेयरिंग में। दोस्तों ये सैमसंग का 32 इंच एलसीडी टीवी है और ये डेड है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इसको मैं रिपेयर करके दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। और दोस्तों यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों इसका स्क्रू को मैंने ऑलरेडी खोल लिया हूँ ताकि आपका समय वेस्ट ना हो, तो इसका ढक्कन को भी निकाल लेते हैं। तो दोस्तों इसका ढक्कन को खोलने के बाद में इसका पावर सप्लाई का स्क्रू को भी मैं खोल लिया हूँ और अब जो है देख सकते हैं कि इसमें एक कार्ड अलग से लगा हुआ है और एक पावर सप्लाई अलग से लगा हुआ है। ठीक है, किसी किसी टीवी में जो है कॉम्बो आता है, यानी कि पावर सप्लाई और ये कार्ड जो होता है वो एक ही में इनबिल्ट रहता है, पर इसमें पावर सप्लाई और कार्ड दोनों अलग अलग है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि टीवी जो हमारा ऑन नहीं हो रहा है ये हमारा कार्ड का प्रॉब्लम है या पावर सप्लाई का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो सबसे पहले तो पावर सप्लाई को चेक करना होगा। तो पावर सप्लाई को चेक करने के लिए क्या करना होगा कि इसमें लाइन देने के बाद में इसका जो पावर सप्लाई का आउटपुट वोल्टेज है वो चेक करना होगा। ठीक है, यदि पावर सप्लाई का आउटपुट वोल्टेज हमारा प्रॉपर मिलेगा तो इसका मतलब ये है कि ये कार्ड का प्रॉब्लम है, और यदि पावर सप्लाई का आउटपुट वोल्टेज में किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा तो हमारा पावर सप्लाई का प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ये कार्ड को मैं अलग कर लेता हूँ ताकि इसका टेस्टिंग करने में सुविधा। तो दोस्तों अभी मैं पावर सप्लाई में लाइन दे चुका हूं और लाइन देने के बाद में इसका आउटपुट वोल्टेज को चेक करते हैं। तो यहां पे देख सकते हैं एक कैपेसिटर लगा हुआ है जो कि 1200 में 25 वोल्ट का है। ठीक है, तो ये कैपेसिटर पर 12 वोल्ट के लगभग जो मिलना चाहिए, तो ये कैपेसिटर पर हम चेक कर लेते हैं। तो इसका 12 वोल्ट चेक करने के लिए मीटर को 20 वोल्ट डीसी रेंज में सेट करना है और इसका सप्लाई को चेक करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे सप्लाई नहीं मिल रहा है और आगे का भी सप्लाई चेक कर लेते हैं। 5 वोल्ट 12 वोल्ट यहाँ भी मिलना चाहिए कुछ सप्लाई, तो यहाँ भी कुछ सप्लाई नहीं मिल रहा है देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसका पावर सप्लाई ख़राब है। तो चलिए आगे इसका जो 220 वोल्ट एसी इन होता है उसको ट्रैक करते हैं। तो इसका एसी का इनपुट वोल्टेज चेक करने के लिए मीटर को 750 वोल्ट एसी रेंज में सेट करेंगे और यहाँ पे हमारा एसी करंट इन होता है, तो यहाँ पे हमें चेक करना है इसका एसी वोल्टेज को। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सप्लाई आ रहा है और ये सप्लाई ये फ्यूज के द्वारा जो है यहाँ पर आया हुआ है और ये सप्लाई जो है यहाँ पर आया हुआ है और एक कॉइल है यहाँ पे, ये कॉइल के द्वारा यहाँ पे ये सप्लाई आया हुआ है। यहाँ तक ये सप्लाई प्रॉपर आ रहा है। तो ये डायोड तक हमारा सप्लाई आ रहा है। तो ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर डायोड है जो कि इसका बीच वाले पिन पे हमारा एसी सप्लाई आया हुआ है और इसका दोनों किनारे किनारे से जो है हमारा कन्वर्ट होकर डीसी सप्लाई आता है। ठीक है, तो इसका डीसी वोल्टेज को चेक करने के लिए मीटर को 1000 वोल्ट डीसी रेंज में सेट करना है और ये डायोड के किनारे किनारे वाले लेग पे हमें वोल्टेज इसका चेक करना है। तो ये हमारा माइनस सप्लाई है और ये प्लस सप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पर 300 से 350 वोल्ट के लगभग मिलना चाहिए, तो ये हमारा सप्लाई ओके है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर डायोड से प्लस सप्लाई जो गया हुआ है यहाँ पे एक चौक लगा हुआ है जो कि ये वाला चौक है, तो ये चौक से जो है ये सप्लाई यहाँ पे आता है। ठीक है, तो मीटर का एक प्रोड को डायोड के माइनस पे रखना है और प्लस प्रोड को यहाँ पे चेक करना है। 300 वोल्ट यहाँ पे 300 वोल्ट मिल रहा है और ये चौक द्वारा ये सप्लाई यहाँ पे आता है, तो यहाँ भी हमारा सप्लाई ओके है। और ये डायोड के द्वारा सप्लाई हमारा यहाँ पे आया हुआ है। और दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे जो एसटीआर लगा हुआ है, और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ एसटीआर पर जो हमारा सप्लाई आना चाहिए
वो सप्लाई जो है कम बेसी इस तरह हो रहा है, कभी 100 वोल्ट, कभी 220, कभी 100 से भी कम वोल्ट जो है मिल रहा है। तो पावर सप्लाई में क्या देखना है, ये जो फिल्टर कंडेंसर है तो ये फिल्टर कंडेंसर का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए ये फिल्टर कंडेंसर को सबसे पहले चेंज करके देख लेते हैं। तो इसको लाइन से निकाल दिए, और लाइन से निकालने के बाद में कैपेसिटर जो है चार्ज होता है, तो इसको एक बार डिस्चार्ज कर लेते हैं, नहीं तो करंट मारेगा। तो ये कैपेसिटर हमारा डिस्चार्ज हो चुका है, और अब इसको चेंज कर लेते हैं। तो ये कैपेसिटर जो है 100 mAh 450 वोल्ट का कैपेसिटर है, तो चलिए इसको लगा लेते हैं। ये कैपेसिटर को लगाते समय ध्यान देना है कि ये कैपेसिटर को उल्टा नहीं लगाना है, नहीं तो ये फट जाएगा। तो अब जो है दोबारा से मैं इसमें लाइन देने वाला हूँ, और लाइन देने के बाद में देखते हैं आगे क्या होता है। तो अभी मैं इसमें लाइन दे चुका हूँ, और तो दोस्तों देख सकते हैं लाइन देने के बाद में ये कैपेसिटर जो है ब्लास्ट कर चुका है, और आप देख सकते हैं कि ये उल्टा भी नहीं लगा हुआ है, ये प्रॉपर जो कैपेसिटर सही लगा हुआ है। देख सकते हैं माइनस इधर है और माइनस इसका इधर ही लगाए हैं। तो एक बार देख लेते हैं क्या करना है। तो दोस्तों ये मॉडल में भी हमारे पास एक ही कैपेसिटर था, तो अभी मैं ये कैपेसिटर लगाने वाला हूँ। तो ये कैपेसिटर को भी उसी तरह मैं लगा रहा हूँ, देख सकते हैं। तो देख सकते हैं कि पुराना वाला कैपेसिटर का माइनस इधर था, तो ये कैपेसिटर भी इस तरह लगाए थे जो कि माइनस इधर है, और ये कैपेसिटर को भी मैं इसी तरह लगा रहा हूँ जो कि माइनस इधर है, ठीक है। तो ये कैपेसिटर जो जला था, तो ये कैपेसिटर हो सकता है कि बहुत ही घटिया कंपनी का होगा। तो दोस्तों अभी ये कैपेसिटर लगाए, तो देख सकते हैं दोबारा से जो नहीं जला, इसका मतलब ये है कि ये कैपेसिटर एकदम थर्ड क्लास का कैपेसिटर था। तो अभी मैं इसका वोल्टेज को चेक करने वाला हूँ इसका एसटीआर पे, और अब जो है ये कंडेंसर जो हमारा है, जो कि यहाँ पे इसका वोल्टेज 12 वोल्ट में चेक करके दिखाया था, तो ये वोल्टेज हमारा नहीं यहाँ पे बना रहा था। तो अब ये वोल्टेज को चेक करते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे 13 वोल्ट प्रॉपर मिल रहा है। तो दोस्तों ये जो प्रॉब्लम था, ये कैपेसिटर का प्रॉब्लम था। तो अब जो है इसका वोल्टेज को प्रॉपर ढंग से चेक करने के लिए इसमें 12 वोल्ट का लॉड दे करके जो है चेक करना होगा।